हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। माय नेम इज कुश पांडे और आप देख रहे हैं द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। गाइस, आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। एक बार ज़रा मेरे को बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। आई होप एंड विश कि मेरा पूरा वीडियो आपको दिख रहा होगा, और एक बार ज़रा मैं भी ओपन कर लूँ ताकि मुझे भी दिखे कि मैं सबको यहाँ पर दिख रहा है। सो अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। शुरू करने से पहले गाइस, आई वुड वांट टू नो, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ताकि मैं समझ पाऊँ एवरीवन इज़ रेडी एंड एवरीवन इज़ तैयार विद द करंट अफेयर डिस्कशन। ज़रा फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को आज हमारे, और स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विथ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर अभी तक आपने IBPS PO Mains टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं किया है, परचेज कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग IBPS PO Mains। सिमिलरली गाइज, अब आइए आते हैं हमारे आज के रिविजन पर, एंड ये क्वेश्चंस आपके कल के भी हैं। कुछ इसमें क्वेश्चंस मैंने ट्विस्ट भी किए हैं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते। इवन कल मैंने 20 हेडलाइंस कवर की थी, फिर भी देवर सर्टन हेडलाइन जो कि कवर नहीं हो पाई थी। आज हम करीब 25 हेडलाइंस को कवर करेंगे और उनका रिवीजन आपके साथ मंडे को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार ज़रा सब लोग, जो भी लोग रेडी हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सो दैट आई कैन नो दैट यू आर रेडी फॉर दी करंट अफेयर्स एनालिसिस। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। विच फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज लॉन्च टूडे, दैट इज येस्टरडे, इन 600 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। देश भर के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल योजना का कौन सा चरण आपका दोस्तों जारी किया गया था? तो वो चरण जो आपका दोस्तों स्टार्ट हुआ था वो आपका है, इट इज़ द थर्ड एडिशन जिसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाइस, व्हाट इफ हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, पहला सवाल मेरा आपसे है। और क्वेश्चन नंबर टू गाइस, कि इसका पहला फेज़ आपका कब लॉन्च हुआ था? तो गाइस, पहले का जो आंसर है वो है महेंद्र नाथ पांडे, बिल्कुल सही आंसर है। और सेकंड का जो आंसर है, 2015 में इसको दोस्तों आपका स्टार्ट किया गया था, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। US President Joe Biden has unveiled how much dollar coronavirus emergency relief package, कितने करोड़ डॉलर का या कितने ट्रिलियन डॉलर का आपका एक रिलीफ पैकेज कोविड 19 का जो US President हैं उन्होंने अनवेल किया है? 1.9, 2.4, 5.3, 7.6 या फिर आपका 8.2 ट्रिलियन डॉलर्स? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन ए, 1.9 ट्रिलियन डॉलर। ये अमाउंट आपका जो है, इतने का पैकेज आपका दोस्तों लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सवाल पहला अगेन आपसे, यूएस एड प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? ये पहला सवाल आपसे है। सेकेंड सवाल आपसे है, CIA की डेप्टी डायरेक्टर कौन है? ये सेकेंड क्वेश्चन आपसे मेरा है, बहुत ही सिंपल। थर्ड, यूएस सेक्रेटरी फॉर क्लाइमेट आपके कौन हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा इन तीन क्वेश्चंस के। देखिए, पहले का आंसर जो है वो है आपका सैमंथा पावर, इन्हें बनाया गया है द हेड ऑफ द यूएस एड, बिल्कुल सही। CIA जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, शी इज़ द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन, इनका नाम है आपका एवरिल हेन्स। और जो यूएस सेक्रेटरी हैं क्लाइमेट की, उनका नाम है आपका जॉन केरी। तो ये सब कुछ यहाँ पर याद रखिएगा। जो बाइडन अलॉन्ग विथ कमला हैरिस हैव बीन आल्सो मेड टू द टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर, उस लिस्ट में भी इनका नाम आपका दोस्तों चला गया है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द 8th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? कौन सा राज्य वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुगमता व्यापार करने में आसानी को सफलतापूर्वक करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ केरल। केरला आपका 8th स्टेट है इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में, सॉरी, इन द रिफॉर्म ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और इस वजह से ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर मेरा पहला सवाल बनेगा, अनीमिया मुक्त भारत में आपका कौन सा स्टेट टॉप पे है? फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, इनमें से आपका कौन सा स्टेट है जहाँ पर वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा? क्वेश्चन टू।
क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से आपका कौन सा स्टेट है जहां पर अभी हाल ही में जहां पर आपका अभी हाल ही में जो स्टेट है जहां पर हाल ही में इंडिया का पहला सी प्लेन सर्विस आपका स्टार्ट किया गया। तो देखिए, पहले का आंसर गुजरात का जो आंसर है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ आपका सी प्लेन सर्विस। वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में होगा और अनिमिया मुक्त भारत में हरियाणा आपका नंबर 1 पे बना हुआ है। दैट इज़ एब्सोल्युटली गाइज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ शकराइन वॉज सेलिब्रेटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ विच कंट्री। सुनिएगा ध्यान से, जो एक पारंपरिक त्यौहार है शकराइन का, वो इनमें से किस देश में हाल ही में आपका दोस्तों जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया है, वीडियो के लिंक को कॉपी करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बांग्लादेश में ही है। बेसिकली ये आपका एक काइट फेस्टिवल है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। Who has been appointed as a middle and long distance coach of the Indian athletics team? बात समझिएगा ध्यान से, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में इनमें से किन की नियुक्ति आपके दोस्तों जो है वो की गई है। सर्गे शुभनकोफ, निकोलाय सेंसरेफ, डैनियल लेसेंको, विक्टर आन या फिर तातियाना लेसेंको। इसका आंसर जो आपके सामने है दी आंसर इज इट इज़ निकोलाय सेंसरेफ। इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स अफेयर्स। इनकी नियुक्ति हाल ही में आपकी दोस्तों की गई है। How many Indians have attained top 10 spots in the recently announced junior world rankings by the BWF? अगर हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो जो जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं उनमें टॉप 10 में कितने इंडियंस आपके मेंबर हैं? उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी दैट इज़ 4। 4 इंडियंस आपके इन टॉप 10 में आते हैं। Which of the following internet giant has completed a $2.1 billion acquisition of fitness gadget maker Fitbit, a deal that could help the internet company grow even stronger while US government regulators pursue an antitrust case aimed at undermining its power? निम्नलिखित में से किस इंटरनेट दिग्गज ने Fitbit को दोस्तों परचेज किया है? Google, Yahoo, Outlook, MSN या फिर आपका Bing? तो इसका आंसर है आपका Google ने आपका Fitbit जो पहले ही परचेज करने वाला था उसको 2.1 अमेरिकन डॉलर्स पे आपका परचेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू ईयर कैंपेन विद ऑफर्स अवेलेबल ऑन वेरियस ब्रांड्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इनमें से किस बैंक ने आपका विभिन्न ब्रांडों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक नया उपलब्ध ऑफर लॉन्च किया है? इसका नाम है आपका ICICI बैंक। Which bank listed foreign currency bonds on 600 USD million dollar under its $10 billion global medium term note program on India INX Global Securities Market that is GIFT? किस बैंक ने यह आपका काम किया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी दैट इज SBI। SBI ने ये आपका काम किया है। द इंडियन आर्मी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद आइडिया फोर्ज टू प्रोक्योर अनडिस्क्लोज्ड क्वांटिटीज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेरिएंट ऑफ स्विच विच इज अ अनमैन्ड एरियल व्हीकल एट अ कॉस्ट ऑफ व्हाट मिलियन। ये सवाल अगेन नया सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा। $20 million में इंडियन आर्मी आइडिया फोर्ज से आपका स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को आपका परचेज करेगा। रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, मेरा जीए मेंस का बैच आ रहा है, इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसका कॉस्ट है 599 और एग्जाम सेंटर की ऐप पे जाकर इस बैच को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो एक बार आप सबका वार्म अप हो गया होगा, ठीक है। अब ज़रा एक बार हम शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस एंड फिर हम करंट अफेयर्स एनालिसिस पे चले जाएंगे। तो एक बार ज़रा सब लोग कमेंट कर देना कि आप लोग वापस आ गए हो, रेडी हो गए हो फॉर द हिंदू एनालिसिस एज वेल एज द करंट अफेयर्स एनालिसिस। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपका आज से स्टार्ट होगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम टुडे, ठीक है। एंड इसके लिए कुछ गाइडलाइंस आपकी दी गई है। सबसे पहले, ये वैक्सीनेशन किनको नहीं लगाया जाएगा? दोज हुज एज इज 18 और बिलो, नंबर 1। नंबर 2, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन, पीपल जिनको एलर्जिक रिएक्शन है कोविड 19 वैक्सीन से या वैक्सीन इन जनरल से,
जो थेरेपीज़ के लिए, इंजेक्टेबल थेरेपीज़ के लिए इनकेपेबल हैं, या फार्मास्यूटिकल या फूड आइटम्स जिनको एलर्जी है, उनको दोस्तों ये वैक्सीन अभी नहीं लगाई जाएगी। किन्हें लगाया जाएगा? जिनका हिस्ट्री है COVID-19 इन्फेक्शन से, जो इनका हिस्ट्री है क्रॉनिक डिजीजेस से, या जिनको कोई HIV या कोई ऐसी आपकी उनको उनको दिक्कत है, उनको दोस्तों ये वैक्सीन जो है वो आपकी लगाई जाएगी आज से। एंड इट इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन। ये कैंपेन आपका 3,006 साइट्स पर आपका स्टार्ट होगा, नंबर वन। नंबर टू, ये कैंपेन में एक नंबर आपका दिया गया है, इट्स अ कॉल सेंटर नंबर, और वो नंबर आपका जो है दैट इज़ 1075। ये नंबर आपका चूज़ किया गया है, ये नंबर आपका यूज़ किया जाएगा फॉर एनी कस्टमर सपोर्ट। और जो वैक्सीन लगाई जाएंगी उनमें आपका कोविशील्ड है और आपका कोवैक्सीन है, ये दो वैक्सीन आपकी अब दोस्तों जो है वो एडमिनिस्टर आपकी की जाएगी। तो मैं रिपीट फिर से आप क्लियर कर दूंगा, इस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन जो आपका है वो आपका स्टार्ट हुआ है। ये कैंपेन आपका स्टार्ट आज होगा, जिसमें 3,006 साइट्स पे इसको लगाया जाएगा, और 1075 करके कॉल सेंटर नंबर है जो कि यहाँ पर दिया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। वैक्सीन दो ही होंगी आपकी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सिंपल हेडलाइन है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल ने इंडिया के साथ जो काला पानी इशू है उसको दोस्तों रेस किया है। नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इंडिया आए हुए हैं फॉर अ 3-डे विजिट, और इन्होंने इस विजिट में काला पानी का जो इशू है इंडिया के साथ उसको दोस्तों रेस किया है। आप में से कई लोग जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो रेगुलरली देख रहे हैं मेरे सेशंस को, वो काला पानी के बारे में जानते होंगे। काला पानी का इशू करीब 200 साल से भी ऊपर पुराना है, और एक ट्रीटी है जिसको डिस्कस करेंगे आगे, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि नेपाल ने उस समय के नेपाल ने अंग्रेज़ों के साथ किया था। उस ट्रीटी के आधार पर नेपाल बार बार काला पानी का जो एरिया है उसको अपना एरिया मानता है, तो उसको लेकर फिर से नेपाल ने इंडिया के साथ काला पानी का जो बाउंड्री इशू है उसको रेज किया है। स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये वो एरिया है जो काला पानी का एरिया है। बेसिकली ये एरिया आपका पड़ता है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस एरिया में आपका पिथौरागढ़ पड़ता है, जो कि अगेन उनके हिसाब से कॉन्ट्रोवर्शियल है। यहाँ पर आपका लिम्पी अधूरा पड़ता है, जो अगेन एक कॉन्ट्रोवर्शियल उनके हिसाब से एरिया है, ठीक है। ऐसे ही काला पानी एरिया आपका यहाँ पड़ता है, जिसको लेकर ये आपका इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो आपका रीजन है, इसी रीजन से आपका स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, आपकी जो कैलाश मानसरोवर रूट है वो रूट भी यहाँ से आपका ट्रैवल होता है। तो इंडिया के लिए भी ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकली पर इन टर्म्स ऑफ रिलीजियसली भी ये एरिया आपका काफ़ी रिलेवेंट है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, बेसिकली ये जो लोकेशन है इट इज़ अ वैली दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वहाँ पर ये आपका लोकेशन पे पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू नेपाल, जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू नेपाल, जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है जिसको किंगडम ऑफ नेपाल ने ब्रिटिश इंडिया के साथ 1816 में साइन किया था, वो काली रिवर पे लोकेटेड है, जो अकॉर्डिंग टू नेपाल इज़ द वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। उनके हिसाब से ये वेस्टर्न बाउंड्री है आपका इंडिया का, और जो भी रीजन इनमें आते हैं वो नेपाल के पार्ट में आते हैं। आपका चाहे काला पानी हो, चाहे आपका लिम्पी अधूरा हो, ये सारे एरियाज उनके हिसाब से आर अ पार्ट ऑफ द नेपालीज टेरिटरी, ठीक है। इस इशू को बार बार आपका जो हमारे जो बेसिकली जो आपका हमारे जो नेपाली आपका प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के साथ इसको उठाया है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपको, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको, एक बार ज़रा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, काली रिवर को हम सारदा SARADA सारदा रिवर के नाम से भी दोस्तों जो है वो जानते हैं। बिल्कुल सही है, सारदा रिवर भी इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, एक बार कमेंट कर दीजिएगा छप गया छप गया छप गया छप गया, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच गवर्नमेंट ने रिज़ाइन किया है चाइल्ड वेलफेयर स्कैंडल की वजह से। डच गवर्नमेंट यानी कि नेदरलैंड्स गवर्नमेंट यानी कि हॉलैंड गवर्नमेंट ने दोस्तों रिज़ाइन किया है
ओवर अ चाइल्ड वेलफेयर स्कैंडल। वहाँ पर एक चाइल्ड वेलफेयर स्कैंडल हुआ है जिसमें जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने जो पेरेंट्स हैं उनको स्कैमस्टर्स या फ्रॉडस्टर्स घोषित किया था, जो कि गलत था। उससे जो इमेज है आपका इस पूरे गवर्नमेंट की वो काफ़ी ख़राब हुई है। तो बिकॉज ऑफ दी स्कैंडल जिसमें कि आपका इन्वॉल्व था इन्वेस्टिगेशंस इनटू चाइल्ड वेलफेयर पेमेंट्स, जिसमें रॉन्ग तरीके से पेरेंट्स को फ्रॉडस्टर लेबल किया गया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत बड़ा इशू हुआ था आपका आपका हॉलैंड नेदरलैंड्स में। और इस इशू की वजह से जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूते, उन्होंने रिज़ाइन किया है अलॉन्ग विथ हिज गवर्नमेंट। और नेदरलैंड्स आपका जो कंट्री है इट्स अ यूरोपियन कंट्री एंड इट्स बेसिकली इसका जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है और इसकी करेंसी दोस्तों जो है वो आपकी यूरो है। तो मैं रिपीट आपके लिए फिर से कर दूंगा इस कि जो आपका नेदरलैंड्स है, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। लेट्स कम बैक गाइस। ओके, अब फाइन हो गया होगा। ओके, सो चलिए वापस एक बार स्क्रीन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, नंबर वन। और इन्होंने ये रिज़ाइन किया है बिकॉज उन पे आरोप है, उनकी पार्टी पे देर इज़ अ एक्यूजेशन कि चाइल्ड वेलफेयर पेमेंट्स को लेकर एक स्कैंडल हुआ है और इस स्कैंडल में रॉन्गली लेबल किया है आपके पेरेंट्स को एज फ्रॉडस्टर्स। और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू आपका जो ये स्कैंडल है, इस वजह से नेदरलैंड्स की जो पूरी गवर्नमेंट है उसने रिज़ाइन किया है। नेदरलैंड्स की बात करें तो इसका कैपिटल आपका एम्स्टर्डम है और इसका जो करेंसी है वो आपका यूरो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फिजी हैज़ वन द प्रेसिडेंसी राइट्स ऑफ द यूएन राइट्स बॉडी। फिजी जो है इसने जीता है आपका प्रेसिडेंसी राइट्स ऑफ द यूएन राइट्स बॉडी। बेसिकली ये बॉडी का नाम है आपका द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इस बॉडी के अब जो नए प्रेसिडेंट हैं वो फिजी के एम्बेसडर हैं और ये 2021 के लिए दोस्तों इन्हें जो प्रेसिडेंट है वो घोषित किया गया है। फिजी एम्बेसडर का नाम है नजात शमीम खान। ही विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। बेसिकली फिजी जो एज अ कंट्री है, फिजी का जो आपका कैपिटल है वो कैपिटल भी आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो कैपिटल है दैट इज़ आपका सुवा इसका कैपिटल है और जो करेंसी आपकी फिजी की है दैट इज़ आपका फिजियन डॉलर, वो इसकी यहाँ पर करेंसी है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर आप याद रखोगे वो याद ये रखोगे कि जो फिजी कंट्री है उसके जो उसके एम्बेसडर हैं नजत शमीम खान जी, वो बनी है द हेड ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल आपका जो है ये आपका जिनीवा में हेडक्वार्टर्ड है और 2006 से आपका ये काउंसिल जो है वो वर्क कर रहा है। तो रिपीट फिर से कर दूँ आपके लिए, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो नए प्रेसिडेंट है उस कंट्री का नाम है फिजी और उस कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव इसकी अध्यक्ष बनी है उनका नाम है मिस नजत शमीम खान, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस पे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो गाइज, चार खबरें थी फ्रॉम द हिंदू, बहुत ज़्यादा खबरें नहीं थी और करीब 20 हेडलाइंस हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स एनालिसिस। ठीक है, तो एक बार ज़रा फिर से कमेंट कर दीजिएगा और जो लोग चले गए थे बिकॉज ऑफ द डिले, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू, एक बार ज़रा वापस आ जाइएगा ताकि वो इस करंट अफेयर्स एनालिसिस को मेरे साथ डिस्कस कर सकें। तो ज़रा फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस को और ले चलते हैं आपको हमारी पहली खबर पे। श्री अर्जुन मुंडा द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड विच हैज़ बीन कन्फर्ड टू हिम फॉर हिज वर्क एज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय मामलों के आपके केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा साहब, ई गवर्नेंस की वजह से उन्हें स्कॉच चैलेंजर अवार्ड वर्चुअली प्रोवाइड किया गया है।
ये अवार्ड उनको दिया गया है फॉर इट्स आईटी लेड इनिशिएटिव्स, आईटी या फिर ऑनलाइन जो इनिशिएटिव्स ले डाउन किए गए हैं फॉर द मिनिस्ट्री, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। जो लोग नहीं जानते हैं, श्री अर्जुन मुंडा आपके झारखंड के फॉर्मर सीएम भी हैं और ये आपका दूसरी बार मोदी गवर्नमेंट में आए हैं और इस बार भी ये आपके मिनिस्टर हैं ट्रैवल अफेयर्स के। और खूंटी एक आपका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, जो कि झारखंड में बेस्ड है, वहाँ से ये आपके दोस्तों जो हैं वो बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ें अगले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा, तमिलनाडु आपका बना है 11th स्टेट टू कम्प्लीट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म। मतलब उसने अपना तो लिया था पर जो रिफॉर्म था आपका वन नेशन वन राशन कार्ड का, उसको कंप्लीट किया है तमिलनाडु। और ऐसा करने वाला ये इंडिया का 11th स्टेट आपका दोस्तों जो है वो बन गया। इट हैज़ बिकम द 11th स्टेट ऑफ द टू कंप्लीट द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म, नंबर वन। नंबर टू आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब इस रिफॉर्म को कंप्लीट करने की वजह से तमिलनाडु को दिए गए हैं 4,813 करोड़। इतना पैसा उन्हें बोरोइंग के हिसाब से दिया जाएगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, नंबर वन। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं जहां पर ये पैसे दिए गए हैं उनमें आंध्रा, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश है। जो मैक्सिमम पैसा दिया गया है वन नेशन वन कार्ड के लिए, वो मैक्सिमम पैसा आपका उत्तर प्रदेश को दोस्तों आपका दिया गया है, जो करीब अगेन 4,900 करोड़ के बराबर है। और जो डिपार्टमेंट इस पूरे स्कीम को देखता है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस पूरे स्कीम को आपका देख रहा है। तो पहला चीज़ याद रखिएगा, तमिलनाडु आपका 11th स्टेट बना है, नंबर वन। नंबर टू, तमिलनाडु के अलावा बाकी 10 स्टेट्स के नाम में जो मेन स्टेट्स हैं वो नाम मैंने आपको दे दिए हैं स्टेट्स के बेसिकली। बिगेस्ट बेनिफिशियरी है स्कीम का आपका यूपी, और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट और कोऑर्डिनेट करता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में, ये है तमिलनाडु का आपका स्टार्टिंग जीके। तमिलनाडु आपका फॉर्म हुआ 26 जनवरी 1950 में। तमिलनाडु का मेन लैंग्वेज आपका तमिल है। तमिलनाडु का अगर आप मैप देखोगे तो ईस्टर्न साइड पॉन्ट कैलीमियर है उसका ईस्टर्न बॉर्डर पे, उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके नॉर्दर्न बॉर्डर पर पुलिकट लेक है और उसके सदर्न लिमिट जो सबसे नीचे लिमिट है आपकी उस पे कन्याकुमारी है। मेजर रिवर्स की बात करें तो कावेरी रिवर है, वैगई है, तमिरा पानी है, ये आपकी रिवर्स हैं जो कि कावेरी जो कि आपका तमिलनाडु से गुजरती हैं। अगर हम रीजनल फेस्टिवल्स की बात करें तो पोंगल आपका फेस्टिवल है। अभी यहाँ पर इसी पोंगल में क्या हो रहा है आपका, इसी पोंगल में आपका जली कट्टू अभी हाल ही में आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द अदी पेरुकू फेस्टिवल, अगेन अ वेरी फेमस फेस्टिवल। मेजर आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो भरतनाट्यम ऑफकोर्स, कोलट्टम, ये यहाँ के मेजर आर्ट फॉर्म्स हैं। ट्रेडिशन की बात करें, जलीकट्टू ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया था। मिनरल्स की बात करें तो वी हैव बॉक्साइड, लाइमस्टोन, ये यहाँ के आपके इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। एग्रीकल्चर में बात करें तो राइस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, शुगर का प्रोड्यूसर है और केन शुगर का प्रोड्यूसर है। GI टैक्स की बात करें तो रिसेंटली मेरे हिसाब से एज पर माई पर्सनल व्यू मैक्सिमम GI टैक्स जो हैं वो आपके तमिलनाडु से ही आए हैं। फॉर एग्जांपल तांजावुर नेटी है, अरंबवुर वुड है, कडांगी सारी, ये सारे आपके जो GI टैक्स हैं ये आपके कहाँ से आए हैं, ये आपके तमिलनाडु से ही आपके बेसिकली आए हैं। और बात करें तो हिस्टोरिकल साइट्स की बात करें तो राम सेतु है, वरहा केव टेम्पल है, समानर मलाई टेम्पल है, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो चोला टेम्पल जो है तीन आपके वो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाबलीपुरम का जो आपका मॉन्यूमेंट्स हैं वो है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये भी यहाँ का आपका इम्पोर्टेंट आपका एक हेरिटेज साइट है। रामसर साइट की बात करें जो कि एक ऐसा वेटलैंड होता है ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, उसमें आपका पॉइंट कैलीमीर जो है वो यहाँ का बहुत ही फेमस आपका एक रामसर साइट है। बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो पुलिकट लेक है, वेदा तंगल है, करिकिली है और कराईवेटी है, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट आपके बर्ड सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क्स की बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुबलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये यहाँ के फेमस आपके नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो यहाँ पर आपका सिरविली पुतुर, वलानू,
कलाकार गंगाईकोंडन। टाइगर रिजर्व की बात करें, कलाकार और सत्यमंगलम। विधानसभा सीट्स यहाँ पर 235 हैं। लेक्स में बेरीजाम लेक है, चेंबर बक्कम लेक है, और डैम में आपका मेटू डैम है, सोलियार डैम है और भवानी सागर डैम है। मेरे हिसाब से इसके बाहर नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में आया, प्लीज़ गिव मी अ येस और अ नो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है ऑफ तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु आपका 11 स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। याद रहेगा सबको, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था अबाउट द शकराइन काइट फेस्टिवल। तो ढाका में आपका शकराइन काइट फेस्टिवल जो है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो आपका काइट फेस्टिवल है, इसका नाम है शकरें, और ये फेस्टिवल आपका हुआ। और इस फेस्टिवल के बाद आपका एक विंटर के एक फेस्टिवल भी आपका आज और कल होगा, एंड दैट फेस्टिवल इज़ कॉल्ड एज पिथापुली। तो ये दो फेस्टिवल आपको याद करने पड़ेंगे, एक तो काइट फेस्टिवल ढाका में जिसका नाम है शकरें, और दूसरा आपका होगा विंटर के एक फेस्टिवल बहुत जल्द जिसका नाम है पिथापुली। बेसिकली जो शकरें फेस्टिवल होता है, इट हैपन्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द बंगाली मंथ ऑफ पौष। पौष करके एक महीना है बंगाली कैलेंडर में, जिसके लास्ट डे पर आपका ये फेस्टिवल होता है। और इस बार का जो स्लोगन था इस फेस्टिवल का, दैट इज लेट्स फ्लाई अ काइट चेरिश ट्रेडिशन। ये इस बार का आपका इसका स्लोगन था। तो याद रखिएगा, काइट फेस्टिवल शकरें कहाँ पर हुआ? ढाका आपका, जो कि बांग्लादेश में, वहाँ पर हुआ। काइस ढाका से याद आया, जो ढाका का आपका फिल फेस्टिवल है, उस ढाका फिल फेस्टिवल में जो इंडिया के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर में से एक है सत्यजीत रे, उनकी मूवीज़ को भी दिखाया जाएगा। उस वजह से भी आपका ढाका जो है वो न्यूज़ में है। वैसे बांग्लादेश तो कई रीजंस की वजह से न्यूज़ में है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, उसका जो इस साल आपका फोकस कंट्री है, वो फोकस कंट्री कौन है आपका? बांग्लादेश है। इसके अलावा जो रिपब्लिक डे है, उसमें 122 सोल्जर्स कहाँ से आएंगे? वो आपके बांग्लादेश से ही आएंगे। उस वजह से भी आपका ये रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनकम्बेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब जो जाने वाले हैं, जिनकी जगह नए आने वाले हैं, उन्होंने जाते जाते इम्पोज किए हैं नए सैंक्शंस ऑन चाइनीज ऑफिशियल्स, चाइनीज कंपनीज, स्पेशली टू इम्पोर्टेंट कंपनीज, द सी नूक एंड द शियाओमी। सी नूक और शियाओमी पर जो आपकी यूएस है, उसने कई तरह के सैंक्शंस आपके दोस्तों लगाए हैं। आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। दी सैंक्शंस को अनाउंस किया था माइक पोम्पेयो ने। उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन द साउथ चाइना सी रीजन, उसको रोकने के लिए उन्होंने इन पर्टिकुलर कंपनीज पर आपका बैन लगाया है या रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जिनमें अगर हम बात करें ऑयल कंपनीज में, तो आपका सीनूक है, इसका पूरा नाम है CNOOC, इसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसके लिए उस पर आपके कई तरह के आपके रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया है। याद रखिएगा, दो फेमस कंपनीज हैं आपका सीनूक और आपका शियाओमी। अब एक मेरा सवाल आप सबसे है इन द कमेंट सेक्शन, कि मेरे को यार ये बताओ कि साउथ चाइना सी का इशू जो है, उसमें क्या सिर्फ चाइना इन्वॉल्व है? तो आंसर होगा नहीं। साउथ चाइना सी का जो इशू है, उसमें चाइना के अलावा वियतनाम है, जापान भी है, कई कंट्रीज़ आपके उस इशू में इन्वॉल्व हैं। तो आइए ज़रा उस इशू को एक बार देख लेते हैं, और ये रहा आपके सामने वो इशू। बेसिकली ये साउथ चाइना सी है, ये लोकेटेड है आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ये आपके सामने एरिया दिया हुआ है, और जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर दो आपके स्ट्रीट्स हैं। एक आपका ये ताइवान स्ट्रेट है, और ये आपका जो है ये यहाँ पर जो कि आपका लुआसान स्ट्रेट है। ठीक है, ये दो स्टेट आपके जो हैं, इसको बाकी जो आपका रीजन है, जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उससे जोड़ते हैं। सिमिलरली अगर आप की बात करें कि एशिया से या आपका पैसिफिक ओशन से कौन जोड़ता है, तो ये आपका एक रीजन है जिसको नाम दिया गया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्टेट ऑफ मलक्का जो है, ये इस पर्टिकुलर साउथ चाइना सी को आपका इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन से आपका जोड़ता है। तो यहाँ पर कई सारे स्ट्रेट्स हैं।
सिमिलरली ये जो आपका साउथ चाइना सी का रीजन है, इसमें तीन आइलैंड्स आपके काफ़ी मशहूर हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू है। कौन इस आइलैंड्स का हकदार होगा, कौन इसका राइटफुल ओनर होगा? उन आइलैंड्स के नाम है आपका पारासेल, फिर है आपका स्कैराबरो एंड स्प्रैटली। इनको लेकर सबसे ज़्यादा इशू है। और सवाल ये बार बार आता है कि ये साउथ चाइना सी आखिरकार इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज़ साउथ चाइना सी सो इम्पॉर्टेंट? तो साउथ चाइना सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका एक कनेक्टिंग लिंक है इंडियन ओशन का पैसिफिक ओशन से, नंबर वन। नंबर टू, 1/3 जो ग्लोबल शिपिंग होती है वो आपकी इसी ओशन से, इसी सी से गुजर के जाती है। 1/3 जो वर्ल्ड की मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो आपका इसी रीजन में जाता है। और ऐसा कहा गया है कि इस रीजन में ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आपका रखा हुआ है। तो ये रीजंस हैं आपके इस पर्टिकुलर सी के इतने रेलिवेंट होने के, इतने इम्पॉर्टेंट होने के। मैं रिपीट फिर से कर दूं आपके लिए गाइस, दैट साउथ चाइना सी एक इशू है जो कि कई कंट्रीज़ के बीच का है, चाहे वो फिलीपींस हो, ब्रुनेई हो, मलेशिया हो, चाइना हो, जापान हो, ताइवान हो, नंबर वन। नंबर टू, इस पर्टिकुलर इशू में तिल का ताड़ या फिर आग में घी का काम किया आपके चाइना ने, जब चाइना ने एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर दी जिस लाइन का नाम है आपका द चाइनाज 9-लाइन। इसको ड्रॉ करने की वजह से ये इशू अपने आप क्या हो गया, अपने आप एक्सप्लोड कर गया, जिस वजह से इस इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू है आपका चाइना और बाकी मेंबर्स में। और जो बाकी आपके कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया या रशिया हो गया, वो टाइम एंड अगेन इस इशू का मिसयूज़ करता है या यूज़ करता है फॉर इट्स ओन बेनिफिट। तो इस बार इस इशू का यूज़ करके आपका यूएसए ने कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ को और चाइना की दो बड़ी कंपनी शियाओमी और सीनू को उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आपके लगा दिए हैं। समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया, कतरा समझ में आ रहा है सबको, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन पर। तमिलनाडु ने आपका कल सेलिब्रेट किया तिरुवल्लुवर डे, तिरुवल्लुवर दिवस आपका तमिलनाडु ने कल आपका ऑब्जर्व किया। बेसिकली ये डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ सेंट पोएट तिरुवल्लुवर, और ये आपका जो उनका थाई मंथ है इन द तमिल कैलेंडर, उसके सेकेंड डे पे दिस पर्टिकुलर डे इज़ ऑब्जर्व। मैं रिपीट फिर से करूँगा आपके लिए गाइस, नंबर वन कि ये आपका डे ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ सेंट पोएट तिरुवल्लुवर, नंबर वन। नंबर टू, ये डे आपका जो थाई मंथ, जो तमिलनाडु मंथ है का सेकेंड डे जो है, उस दिन इसको आपका ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें संत महात्मा तिरुवल्लुवर की, तो इनको हम वल्लुवर के नाम से भी जानते थे। बेसिकली इनकी एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट है जिसका नाम है आपका तिरुकुरल, जिसे हम कुरल के नाम से भी जानते हैं। और ये तिरुकुरल बेसिकली है, इसमें 133 सेक्शंस हैं जिसमें 10 आपकी दहाइयां या कपलेट्स हैं, और इनको तीन बुक्स में डिवाइड किया गया है, आरम दैट इज़ वर्चू, पोरुल दैट इज़ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, एंड कमम दैट इज़ आपका लव। तो रिपीट फिर से कर दूंगा इस तिरुवल्लुवर जी, उनका दिवस मनाया गया है, इनकी फेमस किताब को इस दिन ऑनर किया जाएगा, उस किताब का नाम है तिरुकुरल। बेसिकली जो तिरुकुरल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द संगल लिटरेचर, एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स, संगल लिटरेचर में आपकी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। जब आपका क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हो रहा था, उस समय जो कंडीशंस थी लोगों की, उसको दिखाता है, उसको बताता है, उसको हाईलाइट करता है अपनी बुक्स में द संगम लिटरेचर। तो उसी पर्टिकुलर फेज की आपकी एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है आपका तिरुकुरल या फिर कुरल, याद रहेगा आप सबको, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर, हमें ये याद रहेगा। तो ये बुक, ये दिवस आपका कल ऑब्जर्व किया गया। टू ऑल दोज पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, स्पेशली फ्रॉम तमिलनाडु, आई नो फॉर यू दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, एंड एटलीस्ट यू शुड नो दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। इंडोनेशिया में आपका दुनिया की सबसे पुरानी एनिमल केव पेंटिंग जो है, उसे खोजा गया है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग को आपका इंडोनेशिया में एक केव में आपका पाया गया है। ये पेंटिंग है आपकी एक सुलावेसी वाटी पिक की, ये आपके सामने वो ये पिक का तो फोटो है। बेसिकली इट इज़ अ सुलावेसी वाटी पिक। बेसिकली इसका लोकेशन है आपका द लाइमस्टोन केव ऑफ लियांग टेडोंगे इन इंडोनेशिया, वहाँ पर ये आपका लोकेशन है। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको पब्लिश किया गया है एक मैगजीन में जिसका नाम है साइंस एडवांसेस,
अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, ये जो डिस्कवरी है इस पर्टिकुलर केव पेंटिंग की, ये 45,500 साल पुरानी है. इट इज़ 45,500 ईयर्स ओल्ड. और इससे पहले जो आपका क्लेम था वो आपका 43,900 ईयर्स ओल्ड था, जो कि एक ह्यूमन एनिमल, जो कि एक हाइब्रिड पेंटिंग थी ऑफ ह्यूमन एनिमल बीइंग्स हंटिंग सुलावेसी वाटी पिग एंड ड्वार्फ वोबिट्स. मैं रिपीट फिर से कर दूं आपके लिए गाइस, रिपीट फिर से कर दूं, 45,500 साल पुरानी पेंटिंग, आप ये केव पेंटिंग आपका खोजा गया है. इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग. इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ अ सुलावेसी वाटी पिग, नंबर वन. नंबर टू, लियांग टेडोंगे में ये आपका पेंटिंग खोजा गया है, नंबर टू. नंबर थ्री, इससे पहले आपका एक पेंटिंग था जहाँ पर ह्यूमन एनिमल हंटिंग कर रहे थे ऑफ सुलावासी वार्टी पिक और ड्वार्फ बोवाइट, उसकी जगह अब ये पेंटिंग आपकी दुनिया की सबसे पुरानी आपकी केव पेंटिंग जो है वो हो गई है. और इसका नाम है आपका द सुलावेसी वार्टी पिक केव पेंटिंग. आगे बढ़ते हैं. मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन साहब ने डेडिकेट किया है एक इनोवेशन पोर्टल देश को. ये जो इनोवेशन पोर्टल है, इसको डेवलप किया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने. इस पोर्टल का नाम है आपका नेशनल इनोवेशन पोर्टल. ये पोर्टल में 1.15 लाख इनोवेशन्स हैं आपके डिफरेंट फील्ड्स के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए करीब 1.15 लाख इनोवेशंस आपके इस पर्टिकुलर पोर्टल पे हैं. और ये पोर्टल को कल हमारे जो हर्षवर्धन साहब हैं, जो मिनिस्टर हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस पोर्टल को दुनिया को, इंडिया को आपका सौंपा. याद रखिएगा, नंबर वन, इसको डेवलप किया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने. नंबर टू, इस पोर्टल का नाम है नेशनल इनोवेशन पोर्टल, नंबर टू. एंड नंबर थ्री, इसमें करीब 1.15 लाख इनोवेशंस आपके इसी पोर्टल में आपके दोस्तों दिए गए हैं. याद रहेगा सबको, एक बार ज़रा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हमें ये याद रहेगा. सबको क्लियर है ये चीज़, एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको ये क्लियर है और आप सबको ये याद रहने वाला है. ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एन केव्स इंडिया फोरम 2021 आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. और ये फोरम आपका ऑर्गेनाइज इंडिया में जो है वो आपका कर रहा है. दिस फोरम इन इंडिया इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन. ये इंडिया में ऑर्गेनाइज कर रहा है. बेसिकली इस प्रोग्राम को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. एनकेएफ्स का फुल फॉर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज. इसको इंडिया में, जैसे मैंने पहले बताया, MOSPI जो मिनिस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज कर रही है. इस पर्टिकुलर फोरम में इंडिया के अलावा 5 और कंट्रीज मेंबर हैं. उन कंट्रीज़ के नाम है ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको. ये 4 और कंट्रीज इसमें इंडिया के साथ मेंबर हैं. अगर हम एनकेव्स की बात करें तो एनकेव्स प्रोजेक्ट का मेन कंसेप्ट है कि जो एनवायरमेंटल और इकोसिस्टम अकाउंटिंग है, कि हम ये चेक कर पाएँ कि डिग्रेडेशन कितना हुआ है एनवायरमेंट में या हमारे इकोसिस्टम में, क्या हमने किया है फॉर हेल्पिंग द एनवायरमेंट इकोसिस्टम, और क्या चीज़ें ख़राब की हैं, उनका जो एक अकाउंटिंग है उसको तो किया जाए. तो उस अकाउंटिंग को बेहतर करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट और थ्योरी में उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये आपका प्रोजेक्ट इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है. बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वर्ल्ड वाइड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, UNEP और CBD, दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में किया है और इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया है आपका MOSPI ने. ये जो आपका एक एनकेव्स फोरम समिट है, इसका फोकस एरिया है आपका बेटर एनवायरनमेंट, बेटर टुमारो. ये इसका दोस्तों जो है आपका वो फोकस एरिया है, जिसको कि हाल ही में जो आपका है वो ऑब्जर्व आपका किया गया है. तो मैं रिपीट फिर से कर दूं गाइस, एनकेव्स फोरम समिट आपका ऑर्गेनाइज किया, इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है. MOSPI इसका इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है. 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको. एनकेव्स का मेन कंसेप्ट है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है थ्योरी का और प्रैक्टिस का ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम अकाउंटिंग, उसको लेकर प्रमोट करना है. और रिपीट फिर से कर दूं, इंडिया में इसका फोकस एरिया है बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर टुमारो. याद रहेगा सबको, क्या बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. दिसंबर का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो आपका कम हुआ है,
और वो आपका 1.22% पर आ गया है। ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है, रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी ने इसको रिलीज़ किया है। और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिजल्ट, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो आपका CPI है, वो भी आपका कम हुआ था, जो कि आपका 4.59% पर आपका दोस्तों जो है वो पहुंच गया था। तो मैं रिपीट फिर से कर दूं आपके लिए गाइस कि इन्फ्लेशन परसेंटेज एज पर WPI इज़ 1.22%, इन्फ्लेशन परसेंटेज एज पर CPI इज़ 4.59%। अगर हम WPI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है होल सेल प्राइस इंडेक्स। WPI बेसिकली मेजर करता है प्राइस चेंज इन द गुड्स इन द होल सेल मार्केट। ये सिर्फ जो गुड्स हैं आपके होल सेल मार्केट में उनको, उनके प्राइस को दोस्तों ये आपका मेजर करता है। WPI का जो बेस ईयर है वो आपका है 2018, और इसको हर साल, हर महीने, माफ़ करिएगा, पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर आपका दोस्तों जो है वो वर्क करता है। तो मैं आपके लिए रिपीट फिर से कर दूंगा इस कि होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका रिलीज़ हुआ है, जिसका परसेंटेज है आपका 1.22%। 2018 में इसका बेस ईयर है, और इसको हर साल ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर, वो इसको हर साल, हर महीने इसको आपका जो है वो पब्लिश करता है। समझ में आ गया सबको? बहुत ही सिंपल हेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं। एक दुनिया की बड़ी कंपनी है इंटेल, दुनिया की एक और बड़ी कंपनी है VMware। VMware के आपके जो CEO हैं उनका नाम है पैट जेलसिंगर, उनको अपॉइंट किया गया है नाउ द न्यू CEO ऑफ इंटेल। इंटेल के वो आपके न्यू CEO हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है बॉब स्वान को। इंटेल की बात करें तो उसके हेडक्वार्टर्स आपके सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में है। 1968 में इंटेल आपका बना, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है आपका उमर इशराक। तो रिपीट फिर से करूँगा, इन प्लेस ऑफ बॉब स्वान वी हैव अ न्यू CEO इन इंटेल, का नाम है आपका पैट जेलसिंगर, और ये कंपनी US बेस्ड है, और उमर इशराक इसके दोस्तों आपके करंट चेयरपर्सन हैं। इनका नाम पढ़ लीजिएगा, इनका नाम है आपका मिस्टर पैट जेलसिंगर। ओके, इंडियन आर्मी ने $20 मिलियन का आपका एक अग्रीमेंट किया है टू बाय स्विच ड्रोन्स। मैं रिपीट फिर से कर दूं, स्विच ड्रोन्स को बाय करने के लिए आपका एक अग्रीमेंट किया है इंडियन आर्मी ने, एंड ये अग्रीमेंट आपका $20 मिलियन का हुआ है। ये जो आपका अग्रीमेंट हुआ है, ये अग्रीमेंट हुआ है विथ आइडिया फॉर्ज, उनके साथ ये अग्रीमेंट आपका किया गया है। ये अग्रीमेंट किया गया है फॉर स्विच। अब सवाल उठेगा स्विच क्या है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये स्विच आपके सामने है। स्विच आपके सामने एक UAV है, जिसे हम एक अनमैंड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है फॉर सर्वेलेंस एंड अदर इश्यूज, और इसका कॉस्ट है आपका $20 मिलियन। अगर हम बात करें तो आइडिया फॉर जो है वो एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, जिसके CEO हैं अंकित मेहता, और ये मुंबई में आपकी बेस्ड कंपनी है। तो रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, आइडिया फॉर के साथ इंडिया ने स्विच अनमैंड एरियल व्हीकल को परचेज करने की बात की है, जिसका कॉस्ट है आपका $20 मिलियन। याद रहेगा, जो लोग नहीं जानते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा एरियल व्हीकल जो आपका रिमोट कंट्रोल से यूज़ किया जाता है। जिन लोगों ने उरी देखी होगी उनको तो पता ही होगा कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, उनको तो पता ही होगा, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस स्विच UAV का, तो ये एक इंडिया बिल्ड सिस्टम है, जो कि सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए आपका काम आएगा। इसका यूनिकनेस ये है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड में और हार्श एनवायरनमेंट में, चाहे डे हो या नाइट, वहाँ पर सर्वेलेंस कर सकता है। तो इसका जो US फैक्ट है दोस्तों, वो ये है कि चाहे ऊंचे पहाड़ियों पे बात करें, या चाहे बहुत ही घना जंगल हो, चाहे दिन हो या रात हो, ये हर तरीके से सर्वेलेंस आपका कर सकता है, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फसेट है, इंटरेस्टिंग सा बात है कि ये काम आपका, ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है, ये काम आपका ये कर पाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये आपका एक स्विच UAV है, जिसको $20 मिलियन में इंडिया आर्म्ड फोर्सेस ने आपका परचेज किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कड़ी निंदा करने वाले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इंडिया का पहला इंडिया बिल्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार लॉन्च किया, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया। बेसिकली ये जो आपका ड्राइवरलेस मेट्रो कार है,
इसको लॉन्च किया गया एट दी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का जो फैसिलिटी है बेंगलुरु में, वहाँ पर किया गया। ये जो आपका ड्राइवरलेस कार है, जो बिना किसी ड्राइवर के आपके चलेगी, इस कार में टोटल 2280 पैसेंजर्स आपके बैठ सकते हैं और ये 6 कार मेट्रो का एक सेट है, मतलब 6 मेट्रोज इसके पीछे लग सकती हैं। ओवरऑल 576 ऐसे मेट्रो कार्स का ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। और ये जो आपका मेट्रो है, ये जो मेट्रो कार है, इसको यूज़ किया जाएगा मुंबई मेट्रो द्वारा। और ये जो आपका BML है, इसके चेयरमैन MD हैं डॉक्टर दीपक कुमार हाता। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने एक एरोस्पेस असेंबली हैंगर आपका वर्चुअली लॉन्च किया और साथ ही साथ उन्होंने एक टाटा कैबिन जो है उसको भी BML में आपका दोस्तों लॉन्च किया। तो मैं रिपीट फिर से कर दूँगा, इस इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार है उसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, जो मुंबई मेट्रो में आपका यूज़ किया जाएगा। ओवरऑल ये 576 कार्स होंगी। इसके अलावा उन्होंने टाटा कैबिन लॉन्च किया है और एरोस्पेस असेंबली हैंगर को भी उन्होंने ही दोस्तों जो है वो हाल ही में आपका लॉन्च किया है, तो उस वजह से भी ये आपका दोस्तों जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। याद रहेगा आप सबको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, यस सर यस सर यस सर हमें याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने नामित किया है मनीष चौहान को एज द न्यू एनवॉय टू पोर्टुगल। पुर्तगाल के लिए जो भारत की तरफ से नए एनवॉय हैं, नए राजदूत हैं, उनका नाम है आपका मनीष चौहान। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि मनीष चौहान साहब जो हैं वो न्यू एनवॉय हैं टू पोर्टुगल। बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है, कुछ और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर याद नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं। बिहार के अंदर जो पहला पक्षी महोत्सव है, ये पहली बार है गाइस जबकि बिहार के अंदर एक स्टेट बर्ड फेस्टिवल हो रहा है। इस महोत्सव का नाम है आपका नागी नकटी बर्ड सेंचुरी फेस्टिवल, और ये सॉरी माफ करिएगा, इसका ये नाम नहीं है, ये फेस्टिवल आपका नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये बिहार का पहला आपका बर्ड फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का नाम है आपका कलरव। क्या नाम है इसका? कलरव। इसका हिंदी में देखिए लिया हुआ है, पक्षी यदि संग हैं तो जीवन में रंग है। वाह वाह, एक बार जरा सब लोग लिख दीजिए, क्या बात क्या बात क्या बात। पक्षी यदि संग हैं तो जीवन में रंग है, इसका इंग्लिश मतलब है कि इफ बर्ड्स आर विद अस देन द लाइफ इज कलरफुल एंड देन द राइट। हाँ, तो वो इसका आपका है। तो ये फेस्टिवल आपका 15-17 जनवरी आपका ऑर्गेनाइज किया गया और ये फेस्टिवल का नाम है आपका कलरव। बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन दी नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, और बेसिकली ये जो आपकी सेंचुरी है, यहाँ पर कई तरह की आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स यूरेशिया से, सेंट्रल एशिया से, आर्कटिक सर्कल से, रशिया से, नॉर्दर्न चाइना से, कई कई देशों से आपकी जो बर्ड्स हैं वो इस सेंचुरी में आपकी आती हैं और इस वजह से ये सेंचुरी जो है वो आपका इतना फेमस है। तो द फर्स्ट एवर स्टेट बर्ड फेस्टिवल ऑफ बिहार इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, वॉज ऑर्गेनाइज बेसिकली इन द नागी नकटी बर्ड सेंचुरी इन बिहार, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज आपका किया जा रहा है। अब क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, आइए ज़रा बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार का फाउंडेशन डे है आपका 22 मार्च को। यहाँ पर रिवर्स हैं आपकी गंगा, कोसी, गंडक, सोन। फेस्टिवल्स यहाँ पर हैं छठ पूजा, तीज पूजा, बिहुला पूजा। आर्ट फॉर्म्स यहाँ पर हैं झूमर नाच, सरायकेला, छाऊ। मिनरल्स यहाँ पर हैं आपके लिमोनाइट, कैओलिन, लाइमस्टोन। एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या क्या है आपका? राइस का है, वीट का है, मेज़ का है, पल्सेस का है। GI टैग यहाँ पर कौन कौन सी हैं? मधुबनी पेंटिंग्स हैं, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, भागलपुर सिल्क है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या क्या यहाँ पर हैं? आपका महाबोधि टेम्पल यहाँ का बड़ा फेमस आपका हेरिटेज साइट है। बर्ड सेंचुरीज में कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपका बरेला झील, भीमबंद, गौतम बुद्धा, कन्वर झील, ये यहाँ की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और टाइगर रिजर्व में यहाँ पर आपका वाल्मीकि का टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा गाइस अभी हाल ही में एक जगह है आपकी करबतल करके, ये एक आपका लेक है जो कि आपका अभी हाल ही में इसको रामसर साइट भी दिया गया है, उस वजह से भी बिहार जो है वो आपका न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि वो एक मेमोरियल बिल्ड करेगा, या उसने किया है, टू ऑनर द हीरो हु वन तवांग फॉर इंडिया। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए तवांग जीतने वाले नायक का सम्मान करने के लिए एक स्मारक का
आपका निर्माण कर रही है। ये जो आपका मेमोरियल है ये किया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ मेजर रलेंगाव काटिंग, उनके मेमोरी में इसको किया जाएगा। मेजर रलेंगाव काटिंग जो हैं ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इंडियन फ्लैग को 1951 में यहाँ पर आपका होस्ट किया था, उस वजह से मिस्टर रलेंगाव काटिंग आपके न्यूज़ में है। बेसिकली मिस्टर मेजर रलेंगाव काटिंग पैदा हुए थे उखरुल इन मणिपुर 1912 में। ये इन्होंने सर्व किया था ब्रिटिश आर्मी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जनवरी 17 को ये पैदल चले गए थे आपके फ्रॉम चरद्वार और विद अ टीम ऑफ 5 असम राइफल सोल्जर्स, एंड फरवरी 6 को यहाँ पर इन्होंने तवांग पहुँचकर यहाँ पर जो फ्लैग है उसको फहराया था। तो बिकॉज इन्होंने ये बड़ा काम किया था और तवांग को इंडिया का हिस्सा बनाया था, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। मुझे भी इसको पढ़ने से पहले मुझे कल तक इसका आइडिया नहीं था, मुझे आज सुबह 4 बजे इसका आइडिया लगा जब मैंने इस कंटेंट को बनाना स्टार्ट किया। और ऐसे न जाने कितने आपके इंडिया के नेशनल हीरोज़ हैं जिनको बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मैं रिपीट फिर से कर दूँ आपके लिए गाइस, मेजर खाटिंग जो हैं इनका जो एक मेमोरियल है वो आपका अरुणाचल में आपका सेटअप किया गया है, और ये मेमोरियल आपका आंध्र प्रदेश सरकार बनाएगी तवांग के अंदर। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया में तवांग को लाने में बहुत ही बड़ा आपका रोल जो है वो प्ले किया था। सो अ सल्यूट टू वन ऑफ द फॉरगॉटन हीरोज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनका नाम है आपका मेजर रलेंगाव खाटिंग। आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक ने टाइप किया है विथ फिनटेक कंपनी नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कार्ड को प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड करने के लिए ICICI बैंक ने नियो के साथ आपका अग्रीमेंट किया है। अब ये जो अग्रीमेंट है आपका ये ICICI बैंक का है, इस अग्रीमेंट का नाम, इस पर्टिकुलर प्रीपेड कार्ड का नाम है आपका ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड, ये इस कार्ड का नाम है। बेसिकली इस कार्ड पे जो MSMEs हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो अपने वर्कर्स की सैलरी आपकी यहाँ पर अपलोड कर सकती हैं। इस पर्टिकुलर कार्ड के जरिए जो वर्कर्स हैं उनको 1,00,000 रुपए तक का फंड वो प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है और ये एक आपका लेबर है और उसके पास ये कार्ड है, तो कार्ड पे लेट से 1,00,000 तक की लिमिट है, तो जो इस तो इसने काम किया तो इन्होंने प्रीपेड कर दिया 50 रुपये का, तो 50 रुपये ये यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने फिर इनको कार्ड जारी किया लेट से 1,000 रुपये का, तो यहाँ पर बेसिक फ़ायदा उनको ये होगा कि ये बेसिकली जो सैलरीज हैं उनको इस कार्ड पे आपका अपलोड कर सकते हैं। और ये जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका USP ये है कि एनी MSME कैन टाई अप विद नियो टू अवेल द प्रीपेड कार्ड, कोई भी आपका MSME जो है वो इस कार्ड का इस्तेमाल वो इसका कार्ड का इस्तेमाल के लिए नियो के साथ टाई अप कर सकती है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। सोफी डिविन या सोफी डिवाइन नाम है इनका, एंड ये न्यूज़ में है बिकॉज शी हैज़ स्लैम्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेन्स T20 क्रिकेट, मतलब महिलाओं के T20 क्रिकेट में इन्होंने सबसे तेज शतक जो है वो बनाया है, मात्र 36 इन अ मियर 36 बॉल्स इन्होंने ये शतक बनाया है। और दिस शतक वॉज मेड एट द सुपर स्मैश कॉम्पिटिशन इन द US इन ऑस्ट्रेलिया, और इससे पहले ये रिकॉर्ड आपके नाम था ऑफ दियांद्रा डॉटिन जिन्होंने 38 बॉल्स में आपका 100 स्कोर कर लिया था। तो मैं रिपीट फिर से कर दूँ आपके लिए गाइस, दैट मिस सोफिया डिवाइन हैज स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेन्स T20 क्रिकेट इन अ मियर 36 बॉलों में उन्होंने ये आपका सेंचुरी जो है वो बनाया था। आगे बढ़ते हैं। संदीप अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो TEPC है उनके ये चेयरमैन आपके जो हैं वो आपके घोषित किए गए हैं, इनका नाम है आपका संदीप अग्रवाल। सो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा जो मेंस का बैच है वो ऑलरेडी आ चुका है, उस मेंस का बैच का आपके सामने ये एक थंबनेल है जहाँ पर आपको यूज़ करना है 1499 रुपीस का एक अमाउंट और आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ये बैच अभी भी आपका अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, अब आपसे मिलूँगा मैं कल। आज सेशन आपका 12 बजे का नहीं होगा बिकॉज वो आज मैं ट्रैवल करूँगा, और मंडे से मैं आपको स्टूडियो से
पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा कि ये शो आपके लिए अच्छा है या ख़राब है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, आई विल मीट यू अगेन नाउ ऑन होपफुली ऑन मंडे। सो टेक केयर गाइज एवरी वन, एंड यू आर वॉचिंग एग्जाम सेंट्रिक वेयर क्वालिटी मैटर्स। बाय बाय गाइज एंड थैंक यू।